नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है उत्तर प्रदेश से। मांडियाव थाना क्षेत्र में रविवार की सुबह भाजपा पार्षद के घर पर बदमाशों ने पथराव किया। घर में सूतली बम फेंके गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पार्षद से तहरीर लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक क्षेत्र में रहने वाले रामू दास कनौजिया फैजुल्ला गंज चतुर्से पार्षद हैं। उनके आवास पर कुछ बदमाशों ने पहले पथराव किया, फिर सूतली बम फेंके। इससे परिवार और आसपास के लोग दहशत में आ गए। घर में छिपकर पार्षद ने अपने परिवार की जान बचाई। इस दौरान किसी ने पुलिस को सूचना दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस को देखकर हमलावर भाग निकले। पार्षद रामू दास का कहना है कि जिस वक्त ये घटना हुई वह परिवार के साथ घर पर मौजूद था। एक सप्ताह पहले भी उनके साथ मारपीट हो चुकी है। आशंका है कि उन्हीं लोगों ने आज उनके घर पर हमला बोला है। फिलहाल पुलिस मामले में पार्षद से तहरीर लेकर जांच में जुटी हुई है। तो दोस्तों, अब तक की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मांडियाव थाना क्षेत्र की बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भाजपा पार्षद के घर पर पहले पथराव किया गया था, बाद में सूतली बम फेंके गए थे, जिसके बाद दोस्तों पार्षद का परिवार और आसपास के लोगों में भी दहशत का माहौल बन गया था। किसी व्यक्ति ने पुलिस को इसकी जानकारी दी थी। मौके पर पुलिस पहुंची, लेकिन उससे पहले ही बदमाश फरार हो गए हैं। फिलहाल दोस्तों पुलिस बदमाशों की पहचान कर रही है। अब तक की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है।